हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका क्रिएटिंग फूड्स में। इसको देख के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो चलिए फटाफट से सीखते हैं कि कैसे बनते हैं ये टेस्टी से आलू के पराठे। गाइस, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और नए वीडियोस की भी रिक्वेस्ट आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। ये देखिए, आज मैं पराठा बनाऊंगी थोड़े से अलग स्टाइल से। ये है मेरी मम्मी का स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, मैंने लिया है प्याज, मैंने लिया है आलू 4 उबले हुए, मैंने लिया है एक हरी मिर्च, मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं, यहाँ पर मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर मैंने लिया है, और मैंने लिया है घी, और यहाँ पे मैंने लिया है आटा, मैंने 3 कप आटा ले लिया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये रेसिपी। ये स्टाइल है मेरी मम्मी का और ये है थोड़ा अनोखा स्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पनीर को मैं ले लूँगी और मैं इसे हाथ से मैश कर दूँगी। आप उसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं, और अगर आपको पनीर को ग्रेट करना है तो आप एक ग्रेटर का यूज़ कर सकते हैं पनीर को ग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पनीर को मैश कर लिया अपने हाथों से। प्याज जो मैंने बारीक चॉप किए थे वो मैंने ले लिया है, और जो मैंने आलू लिया था उसको भी मैंने मैश कर लिया है, मसल लिया है अपने हाथों से। ये देखिए, मैंने एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया है। ये करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ साफ़ होने चाहिए और पानी से आप उसे अच्छे से धुल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने धनिया की पत्तियाँ भी मिक्स कर दी हैं। सब कुछ इकट्ठे मिक्स करके अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैंने जो जीरा पाउडर लिया है उसकी रेसिपी बहुत ही आसान होती है दोस्तों। जीरा पाउडर बनाने के लिए आपको नॉर्मल जीरा लेना है, उसे आपको रोस्ट करना है, और फिर आपको ग्राइंडर में डाल के उसे ग्राइंड कर देना है। बारीक जीरा पाउडर की रेसिपी तैयार हो जाएगी बनके, और ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है। मैंने डाल लिया इसमें नमक स्वाद अनुसार। इसके अलावा मैंने इसमें कोई और मसाले नहीं लिए हैं, मैंने इसे काफ़ी सिंपल और टेस्टी रखने की कोशिश की है। आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे अपने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है, अच्छे से मसल लिया है। ये देखिए, बढ़िया तरीके से हमने इसे मैश करके तैयार कर लिया है। तो हमारी फिलिंग एकदम बढ़िया से तैयार है, इससे हम आराम से 6 पराठा बना सकते हैं और पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार है और हमारा आटा भी एकदम अच्छे से तैयार है। मैंने लिया था 3 कप आटा और उसमें हमने डाल लिया था 5-6 कप पानी, और हमारे आटे का डो बहुत ही सॉफ्ट बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। ये देखिए, आटा हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, डो हमारा एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है, और इससे हम बनाएंगे 6 पराठे। और आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें अपनी उंगली लगा करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये डो कितना अच्छे से तैयार हुआ है। तो इससे पहले मैं एक लंबे से आकार में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने होंगे इसके पेड़े। तो अगर मैं इसे लंबे आकार में करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए, इसे हम लंबा कर लेंगे अच्छे से। और फिर अगर मैं इसको आपको उंगली से प्रेस करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट डो, एकदम ऐसे ही डो आपको चाहिए होगा अपने पराठे के लिए। तो इसे मैंने अच्छे से बना लगा लिया अपना आटा, और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमने 4 पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। हम पेड़े और बना लेते हैं, और फिर हम इसे सूखे आटे से अच्छे से सूखे आटे में ब्रश करके, सूखे आटे में डाल करके हम इसकी पतली पतली रोटियां बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा एकदम बढ़िया तरीके से तैयार है, और इसका हमने पेड़ा भी बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं गाइस। तो अब देरी कैसी, इसमें हम लगा लेते हैं अपना सूखा आटा और इसे फटाफट से बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया अपना तवा। ये देखिए, गैस पे मैंने तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं अपना पराठा बनाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने तवा को रख दिया है गर्म करने के लिए। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है, चलिए हम अपने लोई को बेल लेते हैं। यहाँ पे पेड़े एकदम अच्छे से तैयार हैं, तो इसे हम फटाफट से बेल लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे फिलिंग। ये आपको याद रखना है कि फिलिंग अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो आपके पराठे फट सकते हैं, कम भरेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो
तो फिलिंग को आपको हिसाब से भरना है। जितनी बड़ी पराठे की यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोल, उतने बड़े पराठे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 टेबलस्पून फिलिंग भरनी होगी इसमें। ये देखिए हम इसे एकदम बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये है मेरे मम्मी के स्टाइल का पराठा, मेरी मम्मी से मैंने ये रेसिपी सीखी है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले के लोग कितने अच्छी तरीके से रेसिपी बनाते थे और ये रेसिपी भी कितनी अमेजिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा पराठा एकदम अच्छे से बन गया है और हम इसे सेकने के लिए डाल देंगे। एक पराठे में हमें कम से कम 2 टेबलस्पून देसी घी लगेगी। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो पहले हम देसी घी ऊपर ऑयल अपना डाल लेंगे देसी घी, और फिर इसे फ्लिप करके हम देसी घी डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से सिकने देंगे पहले, और ये देखिए फिर हम इस पर देसी घी डाल लेंगे और उसे अच्छे से अपने पूरे पराठा में स्प्रेड कर लेंगे। गाइज बहुत ही अच्छी रेसिपी ये होती है और काफ़ी इसीलिए रिच भी होती है, और इसका कोई जवाब नहीं होता है टेस्ट में। पराठों को लोग अलग अलग ढंग से बनाते हैं, कोई किसी ढंग से बनाता है, कोई किसी ढंग से बनाता है, और यहाँ पे जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये भी मेरा खुद का तरीका है, मेरी माँ का तरीका है बनाने का। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आएगा। ये देखिए हमने आगे पीछे दोनों तरफ अच्छे से पराठे पे घी लगा लिया है। आप चाहें तो इसे सर्व करते समय इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, और हमने इसे फ्लिप कर दिया है। तो दोस्तों आई ना देख के लालच, ये कितना टेस्टी लग रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर रहे हैं, तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसके ऊपर बटर भी डाल के सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ों के साथ। ये देखिए ये कितना अच्छा पराठा है, और इसकी फिलिंग भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हुई है यहाँ पे। ये देखिए बहुत बेहतरीन लग रहा है ये। इसे मैंने सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ। ये देखिए मैंने सर्व किया है आम पुदीने की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले ही दी है, मैं आपको फिर से दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है अचार, मैंने आम का अचार लिया है। आप अपने मनपसंद का अचार यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है ये हमारे पराठों की रेसिपी आम की चटनी के साथ। ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पराठे पसंद आए हों। आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करिए ये पराठे को मेरे टेक्निक से बना करके। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने और आपको पराठा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो